हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक द इंग्लिश शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के सीन के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है विक्रमार्कुड़ और सीन का टाइटल है पावरफुल इंटरवल सीन। ये एक एक्शन फाइट सीन है। रवि तेजा है, अनुष्का शेट्टी है, ब्रह्मानंदम है, रुतिका है, राजीव कनकाला है, प्रकाश राज है, विनीत कुमार है, रघु बाबू है और अजय है। इस मूवी का डायरेक्ट किया है SS राजमौली जी ने। इस पर्टिकुलर सीन को रिक्वेस्ट किया है क्रंची बॉय ने। नाना लॉलीपॉप। बहुत सारे लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं यार इनकी। बेहोश हो गई क्या डर से? फिर उसको चोट लगी है। చావంటే భయపడనని మీసం తిప్పిన వాడి మొహంలో చావు కళ చూడండిరా. మాటలు చెప్పినంత ఈజీ కాదురా చావుకి ఎదురు నిలబడ్డం అంటే. పిరికి నా కొడక, నిజంగా నీలో దమ్ముంటే ఇంత దూరం నువ్వు పారిపోయి రావురా. ओह,
होप लड़के को कुछ हुआ नहीं है। भयपड़ने की अल्लाह टप्पागा गली लो तिरगे गुंडा ना कुड़कना न कुनार रा राठौड़ विक्रम राठौड़ भयं ना कदरा चाव की ఒంటరిగా నన్ను రమ్మనే దమ్ము లేక 6 నెలల నుంచి పిచ్చి కుక్కల నా వెనకే తిరుగుతోంది. నన్ను తీసుకెళ్లాలంటే నాతో పాటు చచ్చే ఇంకో 10 మంది దానికి తోడు కావాలి. పౌరుషంతో తిప్పే ఈ మేసం మీదొట్టు, ప్రాణంగా చూసుకునే నా బిడ్డ మీదొట్టు, మీలో ఒక్కడ మిగిలిన మీ కంటే ఒక్క క్షణం ముందు నేను చచ్చిన మీసాలు తీంచి నా శవాన్ని పూడ్చమంటాన్రా కొడకల్లారా. రండ్రా जोर से लगी क्या? Inspector! Sir! Chowde na bigleda! Please, sir. बात की टेंशन होने लगी थी कि इस लड़की जो छोटी बच्ची थी ना वो डर की वजह से बेहोश हुई है, चोट लगी इसलिए बेहोश हो गई, वही सोच रही थी।
बट मुझे लगता है ये जो ज्वेल एक्शन कर रहे थे ना तेजा, शायद वो गुंडे पहले जिसके पीछे पड़ते हैं ना वो शायद दूसरा इंसान समझ के पीछे पड़ते हैं शक्ल एक जैसे होने की वजह से, इसलिए बीच बीच में ये पूछते हैं कि कौन हो तुम लोग, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। गुंडों को भी शायद पता नहीं है कि ये लोग ड्यूअल रोल हैं, और एक ये पता नहीं क्या है उनको सिर पे ज़्यादा चोट लगने की वजह से उनको बीच में थोड़ा यू नो वीक हो गए, या उनको ठीक से दिख नहीं रहा था, या फिर कोई ऑलरेडी ऐसी कोई कंडीशन है जिसकी वजह से यू नो वो थोड़ा कोई मेडिकल कंडीशन ऐसा कुछ होगा, आई डोंट नो, बट एनीवेज बहुत अच्छा लगा। फाइट बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से चेजिंग किया उन्होंने यू नो हर एक गली मोहल्ले में भागते हुए, वो भी अच्छी तरह से शूट किया गया है। और ये जिस तरह से लास्ट में इंस्पेक्टर्स बोल के बोल रहे थे ना, तो जो बीच में हेल्प कर रहे थे ना इस पहले वाले रवि तेजा जी को, शायद ये उनके ऑफिसर हैं जो रवि तेजा सेकेंड रवि तेजा है ना, तो उनके बड़े ऑफिसर हैं, और ये लोग इनको इसलिए हेल्प कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी को मारने आए हैं, इसलिए हेल्प कर रहे हैं ताकि उसको ना मारे। और लास्ट में वो बोलते हैं ना कि, और बीच में पावरफुल डायलॉग बहुत अच्छे लगे यार, जिस तरह से वो सेकेंड रवि तेजा की एंट्री होती है ना, वो बोलते हैं कि मैं जितनी वो क्या बोलते हैं वर्ड, बहुत शान से अपनी मूछों को ताव देता हूँ, और जान से ज़्यादा प्यार करने वाले अपनी बेटी के यू नो कसम का के बोलता हूँ कि तुम लोग जितने भी लोग हो उन सबको मारे बगैर मैं एक सेकंड पहले भी नहीं मरूँगा, ऐसा वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा मुझे। कि वो उनका डिटर्मिनेशन दिख रहा था उसमें कि मैं अगर जाऊँगा मरूँगा, बट मैं अगर मरूँगा तो तुम लोगों को मार के ही मरूँगा। लाइक मरने के बारे में उनको कोई डर नहीं लग रहा है, लाइक ही इज़ ऑलरेडी, वो ऑलरेडी जानते हैं कि मैं मरने वाला हूँ, बट मरूँगा तो तुम लोगों को साथ लेके जाऊँगा। वो उनके डायलॉग्स में, उनके यू नो हंसी में, लुक्स में लग रहा था कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, तो वो अच्छा लगा मुझे। अब ये फर्स्ट जो रवि तेजा होते हैं ना, उनको जो एक रूम में बंद करते हैं ताकि गुंडे जाके उनको ना मारे, उनकी बेटी और उनको, तो खिड़की से देखते रहते हैं पूरा जो भी फाइटिंग होता रहता है, वो देख के वो पूरा यू नो शॉक होता रहता है कि कौन है क्या है। और जिस तरह से फाइटिंग करते वक्त बीच बीच में इसको दिखा रहे थे, ये भी बहुत सरप्राइज हो रहा था कि ऐसे कैसे मार सकता है, वीक हो रहा है बीच में, बट फिर भी वो अपना जो भी ये डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ रहा है, उनको मार के ही मारता है, तो वो भी जिस तरह का उनके चेहरे के ऊपर वो एक्सप्रेशन दिखा रहे थे, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा ये फाइट सीन, प्लीज़ कमेंट्स में लिख के ज़रूर भेज दीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रेशन में, तब तक के लिए बाय।